नमस्कार दोस्तों, तैयारी जीत के चैनल पर आप सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा को देखते हुए सबसे महत्वपूर्ण 25 करंट अफेयर्स लेटेस्ट महीने के हम देखेंगे इसमें, और 10 अक्टूबर तक के क्वेश्चंस भी जो है मैं आपके करा दूंगा। फिलहाल जो है इस वीडियो में कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। हर कैंडिडेट से एक लाइक तो अवश्य बनता है, 600 लाइक्स का हम टारगेट लेके चलते हैं। काफ़ी मेहनत लगी है इन क्वेश्चंस में, और इन क्वेश्चंस में से कई क्वेश्चंस आप देखेंगे कि सीधे सीधे पेपर में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, देश का सबसे सर्वोच्च खेल के संदर्भ में राजीव गांधी खेल रत्न से पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर को किन्हें खेल का सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं विराट कोहली और मीराबाई चानू। मीराबाई चानू जो है वेट लिफ्टर हैं और विराट कोहली क्रिकेटर हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मैन बुकर पुरस्कार 2018 के लिए चुनी गई अब तक की सबसे कम उम्र की लेखिका कौन बनी है? तो ये हैं डेजी जॉनसन। और किस पुस्तक के लिए इनको मैन बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है? एवरीथिंग अंडर। कुल मिला के 6 लोगों को जो है ये प्रदान किया गया है, और डेजी जॉनसन जो है वो ब्रिटेन की हैं, ठीक है? ये देखिए, मिल्कमैन के लिए एन बर्न्स को ब्रिटेन, द लॉन्ग टेक रॉबिन रॉबर्टसन ब्रिटेन, द मार्स रूम के लिए रिचेल कुशनेर को यूएस के हैं ये, द ओवर स्टोरी रिचर्ड पावर्स यूएस, वॉशिंगटन ब्लैक के लिए एसी एड्रुग्यान यूएस के लिए, ठीक है? यूएस से हैं ये। इंपॉर्टेंट आपके लिए यही रहेगा, सबसे कम उम्र की लेखिका है डेजी जॉनसन, ठीक है? और इनकी पुस्तक है एवरीथिंग अंडर, ब्रिटेन की नागरिक हैं। किस देश ने दुनिया का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रेन लॉन्च किया है? तो ये राष्ट्र है जर्मनी, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, जर्मनी हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन लॉन्च किया है जर्मनी ने। और इस ट्रेन का नाम क्या है? तो ट्रेन का नाम है कोराडिया आइलिंट ट्रेन। फिर से सुने, ट्रेन का नाम है कोराडिया आइलिंट ट्रेन, और राष्ट्र है जर्मनी। विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन लॉन्च की गई है जर्मनी द्वारा। स्वतंत्र भारत की पहली महिला आईएएस ऑफिसर जिनका हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये हैं अन्ना राजम मल्होत्रा, और ये इनका जन्म जो है केरल में हुआ था, ठीक है? याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत की पहली महिला आईएएस ऑफिसर हैं ये। परमाणु ऊर्जा आयोग एईसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कमलेश नीलकंठ व्यास जी को, कमलेश नीलकंठ व्यास। प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को तो किस राज्य का ललित कला अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है हाल ही में? तो उड़ीसा राज्य के ललित कला अकादमी के अध्यक्ष बने हैं सुदर्शन पटनायक, ठीक है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको कि सेल कहा जाता है, के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुमार चौधरी को, ठीक है? अनिल कुमार चौधरी सेल के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 सितंबर को किस शहर में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लॉन्च किया गया? तो रांची। रांची कहाँ है? झारखंड में, ठीक है? किस राज्य की सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री वज्रपात सुरक्षा योजना लागू की है? उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री वज्रपात सुरक्षा योजना सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। सितंबर में हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा की 73वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ये बैठक हुई थी न्यूयॉर्क में, ये 73वीं बैठक है सुषमा स्वराज ने, ठीक है? भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया? सुषमा स्वराज ने। और इसी बैठक में जो पर्यावरण से संबंधित सर्वोच्च पुरस्कार है, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, वो किसको दिया गया है? तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन को, इमैनुएल मैक्रोन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है चैंपियन ऑफ द अर्थ पद्म
पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार दिया गया है 73वीं बैठक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले मानव युक्त मिशन गगनयान मिशन 2022 के लिए किसे अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये हैं वीआर ललित बिका। ठीक है, वीआर ललित बिका। तो गगनयान मिशन 2022 इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, याद रख लीजिए वीआर ललित बिका। नेपाल सरकार ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय अभिनेत्री को सद्भावना दूत बनाया है, गुडविल एम्बेसडर बनाया है? जयप्रदा। ठीक है, जयप्रदा को जो है गुडविल एम्बेसडर बनाया है नेपाल सरकार ने अपने पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए, ठीक है, बढ़ावा देने के लिए भारतीय अभिनेत्री को। हाल ही में मालदीव के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, वो कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फीफा ने हाल ही में बेस्ट फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 का पुरस्कार किसे सम्मानित किया है? तो लुका मॉड्रिक, क्रोशिया के कप्तान है ये, और फीफा विश्व कप 2018 फ्रांस ने जीता है क्रोशिया को हरा के, ये भी याद रखिएगा। तो फीफा ने बेस्ट फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 का अवार्ड लुका मॉड्रिक को दिया है, क्रोशिया के हैं वो। ठीक है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी इज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2018 रैंकिंग में कौन से राज्य ने शीर्ष स्थान पर जो है काबिज हो गया है? तो वो है आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे उड़ीसा, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2018 में टॉप किया है आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। सऊदी अरब के किस मानवाधिकार कार्यकर्ता को अल्टरनेटिव नोबेल कहा जाने वाला द राइट लाइवलीहुड पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो ये पांच लोग हैं, जिनमें से तीन लोग सऊदी अरब के हैं और दो लोग लैटिन अमेरिका के हैं। तो आपसे यूपीपीसीएस में लैटिन अमेरिका के संबंध में प्रश्न बन सकते हैं। तो फिलहाल सभी आदमियों के नाम देख लेते हैं। अब्दुल्ला अल हामिद, मोहम्मद फहद अल कहतानी, वलीद अबू अल खैद, और लैटिन अमेरिका से ग्वाटेमाला के हैं थेलमा अल्दाना, और कोलंबिया के इवान वेलास्वेज। ठीक है, ये दोनों को अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है कौन से दो लैटिन अमेरिकी राष्ट्र से जो है नागरिकों को चुना गया है सऊदी अरब के नोबल पुरस्कार कहे जाने वाले द राइट लवलीहुड। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थेलमा अल्दाना और इवान वेलास्वेज, ग्वाटेमाला और कोलंबिया। हाल ही में द लासेंट पत्रिका द्वारा जारी ह्यूमन कैपिटल रैंकिंग में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो 158वीं रैंक पर रखा गया है भारत को। ठीक है, इसके अलावा हाल ही में एक और रैंकिंग जारी की गई है सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी द्वारा, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक सितंबर में जारी किया गया है। ठीक है, तो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी द्वारा जारी किया गया, इसमें भारत की रैंक है 96 2018 के लिए। लेकिन कुछ समय पहले अगस्त में द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जो है सेम वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2018 जारी की गई थी, जो कि इम्पोर्टेंट भी है और भारत के संदर्भ में, और उसमें भारत की रैंक 130वीं थी। सूचकांक एक ही है, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, लेकिन उनको जारी करने वाले सेंटर अलग अलग हैं। ठीक है, तो सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी द्वारा जो जारी किया गया है वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, उसमें भारत की रैंक है 96, और द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2018 अगस्त में जारी की गई थी, उसमें भारत की रैंक 130 है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद के गठन हेतु विधानसभा में प्रस्ताव पास किया है? तो उड़ीसा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उड़ीसा में। ठीक है, हर वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। G20 शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना में किया जाएगा G20 शिखर सम्मेलन 2018। भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार 2019 के लिए नामित होने वाली फिल्म कौन सी है? विलेज रॉक स्टार्स। भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार 2019 के लिए नामित होने वाली फिल्म विलेज रॉक स्टार्स है। 14वां एशिया कप भारत ने बांग्लादेश को हराकर
जीता है 14वां एशिया कप, ठीक है, और ये भारत का 7वां खिताब है, भारत का 7वां खिताब है, ठीक है। हाल ही में इंडोनेशिया के किस द्वीप पर आए भूकंप में, उसके बाद फिर सुनामी आई, जिसके तहत 839 से अधिक लोग जो है मारे गए हैं, वो द्वीप कौन सा है, ये प्रश्न बनकर के आ सकता है। इसके अलावा राष्ट्र तो है ही इंडोनेशिया, तो आपको द्वीप और राष्ट्र दोनों पता होना चाहिए। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर भूकंप आने के पश्चात जो सुनामी उठी उसमें 800 से अधिक लोग मारे गए, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सुलावेसी द्वीप याद रख लीजिएगा। देश का 100वां हवाई अड्डा, जिसका नाम है पोक यांग, हाल ही में इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया है, तो सिक्किम में। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पोक्यांग जो कि देश का 100वां हवाई अड्डा है किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है, ठीक है। 25वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है इस करंट अफेयर का, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रखी गई है? पर्यटन और डिजिटल परिवर्तन, ठीक है। क्वेश्चन बनकर के आ सकता है कि विश्व पर्यटन दिवस जो कि 27 सितंबर को मनाया जाता है, उसकी थीम क्या रखी गई, क्या थी? तो पर्यटन डिजिटल परिवर्तन। इस साल 11 जुलाई को जो जनसंख्या दिवस मनाया गया जनगणना के संदर्भ में, संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में, तो उसकी थीम क्या थी, ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके मुझे बताइएगा। कि 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, जनसंख्या दिवस, और उसकी थीम क्या थी, कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।